रीवा शहर के राजनिवास में छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले महंत सीताराम दास को सिगरौली से गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों का मानना है कि बाबा एक नाई की दुकान में बाल कटवाने पहुंचा था, तभी मुखबिर के माध्यम से सिगरौली पुलिस को महंत सीताराम दास के सैलून की दुकान में होने की जानकारी मिली। इसी बीच मोरबा SDOP राजीव पाठक और TI विंध्यनगर UP सिंह की टीम ने घेराबंदी कर पकड़ लिया है। पुलिस विभाग में चर्चा है कि सिगरौली बस स्टैंड से गिरफ्तारी हुई है। मोरबा SDOP राजीव पाठक ने बताया कि 30 मार्च की शाम रीवा पुलिस से इनपुट आया था। रीवा साइबर सेल टीम का दावा था कि महंत सीताराम दास रीवा से बस में सवार होकर सिगरौली पहुंच रहा है। ऐसे में सिगरौली जिले की पुलिस अलर्ट थी। जैसे ही वह बैरहन बस स्टैंड में उतरा तो SDOP राजीव पाठक के नेतृत्व में विंध्यनगर TI UP सिंह ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विंध्यनगर थाने में रखा गया है। सूत्रों का दावा है कि SSP नवनीत भसीन के निर्देश पर रीवा से 1-3 सुबह ही सीधी जिले के आसपास सक्रिय थी। वहीं दूसरी टीम महंत सीताराम दास की सिंगरौली से गिरफ्तारी के बाद रवाना हो गई है। चर्चा है कि रीवा पुलिस के विशेष उपनिरीक्षकों वाली टीम 10 बजे तक सिंगरौली पहुंच जाएगी। इसके बाद विंध्यनगर थाने से महंत की कस्टडी लेने के बाद रीवा के सिविल लाइन थाने लाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज।